हेलो दोस्तों, चलो घूमे दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी सेहत से जुड़ी हुई कुछ बातें बताने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए सप्लीमेंट बेहतर है या कुछ और। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए अपनी सेहत से जुड़े हुए कुछ राज। क्वालिटी ऐसा देते हैं सर जो कि अगला कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी लेके आता है, ठीक है। क्वालिटी प्रीमियर होगा और जो रेट होगा बिल्कुल वाजिब रेट होगा मेरे पास, ठीक है। यह मार्केट में इसी मार्केट में आपको इतना तेज मिलेगा रेट, लेकिन आप मेरे पास आते हो तो सर पहले के रेट में ही मिलेगा आपको। ये प्रोटीन के डब्बे ज्यादा काम करेंगे या ये करेंगे? ड्राई फ्रूट कुदरती अपने हाथ से बनाओगे, अपने आंखों से देखोगे क्या बना रहा हूँ क्या खा रहा हूँ। पाउडर में तो कुछ पता नहीं है सर, डब्बे में क्या है क्या नहीं है। तो गोलू भाई, जस्ट राखी के दूसरे दिन हम यहाँ पे पहुँचे हैं, तो राखी का त्योहार आपके लिए कैसा गया? सर एक नंबर गया मेरे लिए तो। और राखी के दिन आपकी सेल वेल में कुछ इजाफा हुआ या फिर? बिल्कुल, आपकी वीडियो से समझो कि काफी मेरे को राहत है, ठीक है। वीडियो तो चलती रहती है गोलू भाई, लेकिन आपने जो सामान के अंदर क्वालिटी दी है लोगों को, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको? बिल्कुल, क्वालिटी ऐसा देते हैं सर जो कि अगला कस्टमर दूसरे कस्टमर को भी लेके आता है, ठीक है। क्वालिटी प्रीमियर होगा और जो रेट होगा बिल्कुल वाजिब रेट होगा मेरे पास, ठीक है। और राखी के बाद अब लगभग 15 अगस्त की तैयारी आया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सामान नया नया भर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो सर देखो, अभी मार्केट से माल ही आने वाला है, शनिवार को माल उतरता है अपना। राखी के दिन लगभग आपकी दुकान में देख रहा हूँ सामान काफी कम हो चुका है। बिल्कुल सर, आप ही का कृपा है सर, आपकी दुकान में काफी ज्यादा सेल हुई है। बिल्कुल सर, और सामान के अंदर क्वालिटी भी आपके पास काफी अच्छी अच्छी है, तो रेट के अंदर कुछ उतार चढ़ाव हुआ है या रेट अभी भी वही है? नहीं सर, रेट तो उतार चढ़ाव बहुत है, बादाम का रेट इतना तेज है मार्केट में, इसी मार्केट में आपको इतना तेज मिलेगा रेट, लेकिन आप मेरे पास आते हो तो सर पहले के रेट में ही मिलेगा आपको, ठीक है। ये देखिए सर, ये सर अमेरिकन बादाम है, मार्केट में 750-700 का भाव में है, और मार्केट में भी, इस मार्केट में भी लेते हो 700-750 में मिलेगा, लेकिन आप मेरे पास आते हो तो केवल 600 रुपए किलो में मिलेगा सर। ये अमेरिकन बादाम 700-750 रुपए किलो अभी मार्केट के अंदर रेट बहुत तेज चल रहा है, ये सर जी बता रहे हैं, लेकिन इनके पास फिर भी वही के वही जो पुराना वाला रेट है, 600 रुपए के हिसाब से, यानी कि इन्होंने रेट के ऊपर कोई बढ़ोतरी नहीं की है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। और सर सामान बहुत जल्दी से जल्दी खत्म भी हो रहा है और नया सामान आ भी रहा है। 320 काजू सर, काजू 320? हाँ जी सर, मार्केट में आपको 800-850 मिलेगा ही मिलेगा, इस मार्केट में 750-700 के आसपास मिलेगा, लेकिन आप मेरे पास आते केवल 650 रुपए किलो, जो पहले रेट था वही रेट है सर। ये 650 रुपए किलो के हिसाब से काजू है इनके पास, और बिल्कुल दूधिया काजू है, बहुत बढ़िया काजू है। काजू के अंदर आपके पास 2 से 3 वेराइटी है गोलू भाई, एक इससे बढ़िया है। रेट क्या क्या अलग अलग है सर? ये 550 में है, लेकिन ये कस्टमर को आप नहीं देंगे, जो बेकरी वगैरह में जाता है वो लेके जाते हैं इसको, ये थोड़ा करवाट होता है। ये बढ़िया होगा सर, ये 320 है, ये भी 320 है, बिल्कुल वाइट दाना होगा। ये 320 है सर, 320 नंबर, और ये आपको 650 रुपये के जी में मिलेगा सर। 650? हाँ जी। और एक और काजू है सर, W340। ये काजू का नंबर रहता है क्या? हाँ, काजू का नंबर होता है सर, इसको W240 नंबर बोलते हैं। W240? हाँ जी सर। ये देखिए सर, ये मोटे दाने का काजू होता है, ये मार्केट में 1150 का भाव मिलेगा, लेकिन मेरे पास आते केवल 750 का भाव मिलेगा सर। ये 750 रुपए किलो के हिसाब से ये वाला काजू है, मोटे दाने का काजू है ये, W240 है। इस काजू के क्वालिटी का नंबर भी आता है सर, जो आप नोट कर सकते हो, ये W240 नंबर से काजू है। तो सर ये अपने पास एक पिस्ता भी है, पिस्ता खत्म पे ये, लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है, सैंपल के लिए दिखला सकते हैं। ये ईरानी पिस्ता है सर, ये मार्केट में 1450 का भाव है, लेकिन मेरे पास आते केवल 1050 में मिलेगा सर। 1050 रुपए में ईरानी पिस्ता मिलेगा, लेकिन इनके पास अभी ये खत्म हो रहा है, क्योंकि इतनी सेल हुई है और इनके पास अभी नया सामान आने को है, जो आज या कल के अंदर नया सामान आएगा। आपकी वीडियो से आता है तो सर 1000 का भाव लगेगा। बिल्कुल, चलिए वीडियो देख के अगर आप लोग आते हो तो सर से आपको 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ये आपको पिस्ता 1000 रुपए के हिसाब से। और सर किशमिश है, नासिक की किशमिश एक ये है लंबे दाने में, ये 200 रुपए किलो मिलेगा सर। ये लंबे दाने की किशमिश है, 200 रुपए किलो के हिसाब से दी जाएगी। और एक ये सर है, ये किशमिश की, ये भी लंबे, ये भी लंबे में है, बस इसमें रस ज्यादा है, ये 220 का भाव है। ये देखिए, ये क्वालिटी आपको देखने से ही पता चलेगा, जो 220 रुपए किलो की ये क्वालिटी है और ये 200 रुपए किलो की क्वालिटी है, आप दोनों इसको चेक और कंपेयर कर सकते हो कि क्या क्या रेट और क्या क्या क्वालिटी है, और यहाँ पे आइए तो फिर ये चीज देख के लीजिए आप। बिल्कुल सर, बस आप मेरे पास आओ भरोसे से, ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूँगा, और जो चीज दूंगा बिल्कुल प्रीमियर क्वालिटी दूंगा, ठीक है, तोल में भी कोई हेरा फेरी नहीं, और जो रेट लूंगा बिल्कुल वाजिब लूंगा, सौदा दूंगा बिल्कुल प्रीमियर। तो सर छुआड़े मेरे पास,
और यहाँ पे अभी कस्टमर काफी आ रहे हैं इनके पास और हर एक कस्टमर खुश होके जाता है कि यहाँ पे आता है तो चीज अच्छी जेन्युइन मिलती है उनको। ये नहीं है कि मार्केट में कहीं ठग हो रही है, कहीं सामान में कम तोला जा रहा है, ऐसा इस स्टॉक पे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सर एक ये विश्वास करके आ सकते, एक ये छोटा मकान है उसी बड़े मकाने का छटाई होता है, खीर वगैरह लड्डू वगैरह में ये सब डाला जाता है। ये केवल आपको 200 रुपए किलो में, लेकिन आपकी वीडियो से आता है केवल आपको 150 रुपए किलो में लगेगा। चलिए ये वैसे है तो 200 रुपए किलो मकाना, लेकिन ये वीडियो से अगर कोई आपको आता है देखने के लिए और उसके बाद गोलू भाई को कहता है कि हम वीडियो देख के आए, तो वो 150 रुपए किलो के हिसाब से आपको देंगे। और मखाने के अंदर इनके पास 2 से 3 क्वालिटी है। बड़े मखाने भी दिखलाता हूँ सर आपको। और ये वाली क्वालिटी क्या रेट है गोलू भाई? ये सर ये 450 रुपए किलो में, ठीक है, मार्केट में वही 600 का भाव में मिलेगा ही मिलेगा। पैकेट ले तो 180-160 रुपए की 250 ग्राम की पैकेट होती है, बस पैकेट का पैसे ले लेते हैं दुकान वाले। क्वालिटी यही होती है, चीज़ यही होता है, हर चीज़ यही होती है, बस पैकेट का पैसा ले लेता है सर। पैकेट हमारे से बोलोगे हम भी पैकेट बना देंगे, पैसा वही 10-5 रुपये फालतू लेंगे जो पैकेट का होगा। और ये लेकिन खुले में लो सबसे बढ़िया होगा, ये चीज़ आप खुले में लीजिए। पैकेट का पैसा दुकानदार ऑटोमेटिकली ज़्यादा छोड़ ही देता है, ये सबको पता रहता है। और यहाँ पे खुले में लेंगे तो 2 पैसा आपको सस्ता में भी मिलेगा। काला छुआरा, छुआरे की क्वालिटी देखिए सर आप, ये सर दूध वगैरह में खाओ बहुत फायदा करता है ये छुआरा। चलो ये गर्मियों में भी खाया जाएगा बोलो भाई? दूध वगैरह में खाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दूध वगैरह में सेवन करो। ये पीला छुआरा आप दूध में नहीं खा सकते, पीला केमिकल से धुला हुआ होता है सर। अच्छा, ठीक है, जो रियल छुआरा होता है कुदरती ये होता है, इसको तो किया जाता है, ठीक है, इसको वॉश किया जाता होगा या फिर कुछ किया जाता है? केमिकल से धोया जाता है, केमिकल से धोया जाता है, तब जाके इसका कलर येलोइश में आता है जरा जरा। लेकिन ये जो कलर है ये ओरिजिनल कलर है। और एक सर ये अपने पास अंजीर है, अंजीर मार्केट में 800-850 का भाव में होगा सर, मेरे पास आते केवल 650 रुपए किलो में मिलेगा सर आपको। 650 रुपए किलो के हिसाब से अंजीर, और अंजीर की क्वालिटी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट दाना होगा, बिल्कुल सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। जो टाइट वाली आती है चल रहा है कि ये कितनी सॉफ्ट जा रही है, जो टाइट वाली होती है सर वो दूध ज्यादा खा जाती है, दूध कम खाएगी। अच्छा, और इसको दूध के साथ लिया जाता है? बिल्कुल, बिल्कुल। और इसको लेने से फायदा क्या रहता है खाने सर? इसका जोड़ों दर्द बहुत फायदा होता है, जो जिम वगैरह बंदे करते हैं वो काफी खाते हैं इसको, ठीक है, जो जिम करते हैं यानी कि अपने शरीर के ऊपर जो ज्यादा ध्यान देता है वो इसको ज्यादा खाते हैं। और ये सर ये आपका अखरोट हो गया, ये तो सर ये थोड़े हल्के में अखरोट, ठीक है, ये अखरोट लेते हो तो केवल 550 रुपये पड़ेगा सर आपको, और इससे बढ़िया में क्वालिटी लेते हो आप तो 650-600 के आसपास में आएगा। और सर ये काले अखरोट है, ये काली अखरोट भी कड़वी नहीं होती, मीठी दाने की होती, बस काली हो जाती है, ठीक है, ये आपका 400-450 के आसपास में आ जाएगा किलो में। आप बताइए, जैसे आपने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए ये सारी चीज़ें काम आती है, ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात और बताइए कि जो आदमी, जो लड़के लोग जिम जाते हैं अपने शरीर की फिटनेस के लिए जाते हैं, तो वो क्या चीज़ खाए जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट है? सर देखो, जो जिम वगैरह वाले बंदे करते हैं वो खाते हैं, उनके लिए ज़्यादा ये जाता है, एक कद्दू का बीज होता है, ठीक है, इसका पाउडर बनता है सर, ठीक है, प्रोटीन बनता है, बहुत फायदा करता है। देखिए जिम वगैरह वाले बंदे, एक ये इसका सेवन करो, एक बादाम का करो, एक अखरोट की गिरी का करो, काजू का करो, सफ़ेद मूसली का करो, कमरकस का करो, और ये अपना खसखस दाने का, इसको पीस के प्रोटीन बनाओ। ये मार्केट में जो आते हैं डब्बे, उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा सर, और बहुत बेनिफिट है इसका, ठीक है, एक महीने में सर जी शरीर में आपके फ़र्क पता चलेगा कि क्या खाया है मैंने, ठीक है, आप मेरे पास आओ तो आपको बना के देंगे हम, ठीक है, या अलग अलग ले लो या बना के ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई अनएक्सपीरियंस आदमी आपके पास आता है, जैसे उसको ये पता नहीं है कि अपने शरीर के अंदर बनाने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है, तो आप ये सारी चीज़ों का एक निरीक्षण बना के उनको बता सकते हैं? बिल्कुल, कि आप ये चीज़ लीजिए, ये चीज़ लीजिए, जिससे आपको ये बेनिफिट। बिल्कुल। और एक बात मैं आपसे और पूछूंगा गोलू जी, कि जैसे ये प्रोटीन के डब्बे यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, ये प्रोटीन के डब्बे ज्यादा काम करेंगे या ये करेंगे? ड्राई फ्रूट कुदरती अपने हाथ से बनाओगे, अपने आंखों से देखोगे क्या बना रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, पाउडर में तो कुछ पता नहीं है सर, डब्बे में क्या है क्या नहीं है, जो मर्जी भर के दे देगा, उससे नुकसान भी काफी पड़ता है सर, ठीक है, जो जब तक जिम कर रहे हो जब तक पाउडर खा रहे हो तो बढ़िया है, जिम छोड़ोगे पाउडर नहीं खाओगे तो फिर तो सर ये दल हो जाएगा, ये खाओगे सर, जिम छोड़ भी दोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका शरीर बना रहेगा, ठीक है,
ड्राई फ्रूट होते हैं, ड्राई फ्रूट को अपने शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। हाँ, और ये वैसे भी नेचुरल चीज है तो शरीर के लिए नुकसानदेह तो ये बिल्कुल भी नहीं है, नहीं है सर। और बाकी वो जो पाउडर के डब्बे खाते हैं लोग, वो कहा जा सकता है कि किसी के शरीर में लागू होते हैं, किसी के शरीर और किसी के शरीर में वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन ये आइटम ऐसी है जो हर किसी के शरीर में फायदा ही पहुँचा। आप मेरे पास आओ, जिम वगैरह वाले बंदे मैं आपको बना के दूंगा, और प्लस आपको अंजीर दूंगा, मुनक्का दूंगा, ये और ये पेट ठंडा करता है सर, ये खून पतीरा है, ठीक है, दो दाना ये दिन में खाओ, रात में डाल दो, दिन में खाओ, पेट ठंडा रहता है। जिम वगैरह वाले शरीर में काफ़ी गर्मी होती है, उसको पेट ठंडा करता है। अंजीर, अंजीर जो है आप दूध वगैरह में सेवन करो, मुनक्का जो है मुनक्का उसको दूध में पानी में सेवन करो, और बाकी जो मैं बता दूंगा उसका पाउडर बनाओ, तो दूध में सेवन करो उसका भी। ये आपकी जानकारी इस बारे में अच्छी है, ताकि कोई भी आदमी आएगा तो वो अपनी आपकी जानकारी के हिसाब से अपने शरीर के लिए बेनिफिट के हिसाब से बिल्कुल बना सकते, और उसी हिसाब से मेरे हिसाब से कि यहाँ पे लोग जो भी आते हैं वो आपकी जानकारी के थ्रू और कुछ अपने नॉलेज के थ्रू कुछ ना कुछ समझ। हाँ बिल्कुल सर, अभी आया दिन में से ज़्यादा फायदा हो। हाँ दिन में आया सर, अब मेरे पास एक कस्टमर भाई के चैनल देख के आया, एक कस्टमर जो कि जिम वगैरह के लिए लेके गया है पाउडर बनाने के लिए, मेरे से पूछ रहा था, वो उनको पता नहीं था क्या क्या डलता है क्या नहीं डलता, हमने बताया उनको, वो बिल्कुल लेके गए सामान। ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी आए जिसको पता नहीं है वो भी आ जाए, तो यहाँ पे भाई साहब है वो आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराएंगे और सारी आइटम ऐसे मिक्स करके देंगे कि आपको बाहर से पाउडर का डब्बा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो पाउडर का डब्बा वैसे भी 5,000-6,000 रुपये का आता है, लेकिन यहाँ से कम रेट में और क्वालिटी अच्छी से अच्छी और एकदम नेचुरल चीज़ अगर आप खाएंगे तो आपको ये डुप्लीकेट डब्बे खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहाँ तक मेरा हिसाब है। और सर शादी उदी का भी सीज़न आने वाला है 1-2 महीने के बाद, तो शादी उदी के सीज़न में आप हमारे पास आओ, जो कम से कम रेट होगा हम देंगे, जो जीरा आपको 200-240 मिलता है वो हम आपको 180 रुपये किलो देंगे, जो कम से कम होगा सर मैं वो दूँगा। और शादी ब्याह में तो ये समझो कि बिल्कुल प्योर चीज़ जाना है, क्योंकि हल्की सी भी चीज़ ख़राब पड़ गई तो पूरा सब्जी खराब, बहुत वो है बेइज्जती, इसलिए हम हमारे पास आओ, हम एक से एक चीज़ें देंगे, आप खुश होकर जाओगे, रेट के लिए भी टेंशन मत लो, चीज़ जो दूंगा वो भी बढ़िया, ठीक है जी। इसके अंदर शादी ब्याह के अंदर तो ये काजू किशमिश बादाम तो होते ही होते हैं, लेकिन ये मिर्च मसाला भी बिल्कुल मिक्स मसाले भी ओरिजिनल रहते हैं। हाँ जी, आप मेरे पास ओरिजिनल भी होता है सर, कॉपी भी होता है, लेकिन आप मेरे पास आते तो बिल्कुल ओरिजिनल सामान देंगे आपको। तो गुरु भाई जरा इसकी आप स्मेल लेके खुद चेक कीजिए सर, ये जो शाही जीरा है ये जीरा, ये पलाव जीरा होता है, बिरयानी वगैरह में जो डलता वो होता है, जो वो तड़का लगने के लिए होता है वो जीरा ही ये होता है। इसकी खुशबू सूंघना हो तो आप ऐसे हल्का सा लग रहे ऐसे सूंघ सकते हैं, जो ओरिजिनल खुशबू होगा वही आएगा, जो प्योर चीज़ होगा सच उसका ओरिजिनल खुशबू आएगा, जो लोकल होगा उसका अलग ही स्मेल आएगा, ठीक है। आप हमारे पास आओ, आपको ओरिजिनल देंगे, आप अपने से देखो, हम बताएंगे कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, बिल्कुल ठीक है। तो स्मेल से भी आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी ओरिजिनल है, और ये है कि यहाँ पे आप कस्टमर खुद आप यहाँ पे आइएगा तो खुद भी स्मेल कीजिएगा, ये ज़रूरी है कि वीडियो में खुद दिखाएं उनको स्मेल आ रही है कि नहीं, ये वीडियो में नहीं पता चलता, लेकिन आप खुद यहाँ पे आके चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि चीज़ के अंदर क्वालिटी क्या चीज़ है और सब क्या चीज़ है। और सर मसाले जो जितने ज़्यादा पुराने होते हैं और उतना बढ़िया होता है, ठीक है। ड्राई फ्रूट क्या है, जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ख़राब होगा, मसाले में जितना ज़्यादा पुराना होता है और ज़्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। और गोलू भाई मुझे एक बात और बताइए कि फ़ोन करके लोग तो आपको काफ़ी परेशान भी करते होंगे और फ़ोन काफ़ी आपके पास आते भी होंगे, लेकिन आप ये गुजारिश होती है कि फ़ोन तो ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर उपलब्ध हो कस्टमर तो आप उनको बढ़िया से हैंडल भी कर सकते हो, समझा भी सकते हो। बिल्कुल सर, जब आप मेरे पास पहुँचना हो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है, बाकी डिटेल जो चाहिए आपको किसी भी चीज़ की तो आप मेरे दुकान तक आइए, तब आपको आपको हम डिटेल देंगे, ये चीज़ ऐसा है ये चीज़ ऐसा है, टेंशन नहीं है उसके लिए, बस एक बार कॉल कर लो आप मेरे को, हाँ जी सर जी यहाँ पे हूँ ये लोकेशन पे खड़ा हूँ आप मुझे ले लो, हम आपको पिकअप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। जरा आप अपनी लोकेशन ये देखिए सर, ये हिंदू राव का बोर्ड से आप कितनी दूरी पर है? ये सर दूसरा खंबा है अपना, पहला और ये दूसरा, ये जस्ट मेरी दुकान है सामने। सर आप आज़ाद मार्केट की साइड से भी आ रहे हो, अवंती भाई लोधी चौक का मूर्ति लगा हुआ, उससे आगे आओगे तो सर आपको हिंदू राव का बोर्ड दिख जाएगा, जस्ट 3-4 दुकान छोड़ के मेरी दुकान है, ठीक है। अगर आप चांदनी चौक की साइड से आ रहे हो सर तो आप ये पीली कोठी के ऊपर चढ़ोगे, ये सामने हिंदू राव का बोर्ड दिख जाएगा, ठीक है सर, जस्ट मैं मिल जाऊँगा आपको, 2-4 दुकान छोड़ के ही मिल जाऊँगा, अब हिंदू राव का बोर्ड है, मैं आपको 2-4 दुकान छोड़ के ही मिल जाऊँगा। तो सर ये पीली कोठी पड़ता है अपना, मिठाई पुल पड़ता है अवंती भाई लोधी चौक के पास में, काफ़ी कस्टमर बोलते हैं कॉल करके मैं पीली कोठी पे खड़ा हूँ, लेकिन सर वो मिठाई पुल पे खड़े होते हैं,
महारानी अवंतीबाई लोधी चौक मिठाई पुल कहलाता है, ये पीली कोठी कहलाता है। ये बिल्कुल महारानी अवंतीबाई लोधी चौक से बिल्कुल सामने जो रास्ता जा रहा है वो पीली कोठी कहलाता है, और लोधी चौक के जो बैक साइड में है मिठाई पुल कहलाता है। तो गोलू भाई जरा आप अपना एड्रेस दिखाएंगे कि लोगों को, अगर आपके पास मेरा एड्रेस है सर, नीचे में लिखा हुआ है मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, इनका मोबाइल नंबर के साथ इनका कार्ड है जो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, और बिल्कुल प्रॉपर इनके स्टॉल पे आप आ सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका खूब खूब आभार। जय हिंद।